हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल स्टेटिस्टिक्स फॉर ऑल। इस वीडियो में हम लाइफ टेबल के बारे में सीखेंगे और लाइफ टेबल में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं PX, कैपिटल L, EX0, इन सभी की वैल्यूज निकालना सीखेंगे और इनके सम्स भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम लाइफ टेबल में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं और इनकी सबकी फॉर्मूला हम सीख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट होगा हमारा एक्स। एक्स मतलब एज इन ईयर्स, यानी कि आपको एज दी हुई रहेगी कोई पर्टिकुलर, 20, 21, 22 ईयर्स, इस तरह से आपको एजेस दी हुई रहेगी। फिर सेकेंड हमारा होगा एलएक्स, यानी नंबर ऑफ पर्सन लिविंग एट अ स्पेसिफाइड एज, मतलब कि एज एक्स पे कितने लोग अभी जिंदा है, कितने लोग लिविंग है, वो होगा हमारा एलएक्स। जैसे सपोज करूँ कि 20 की एज पे 50 लोग हैं, तो एलएक्स हमारा 50 हो जाएगा, नंबर ऑफ पर्सन लिविंग एट एन एज एक्स। ओके, तो एक्स और एलएक्स दोनों आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा और बाकी सारी वैल्यूज जो है ना थर्ड से लेके एट तक की, वो सभी हम फाइंड करेंगे ये एक्स और एलएक्स की मदद से। अब थर्ड है हमारा डीएक्स, मतलब नंबर ऑफ पर्सन अमॉन्ग द एलएक्स पर्संस हु डाई बिफोर रीचिंग द एज x+1। यानी कि सपोज करो कि एज 20 पे 50 लोग जिंदा है और एज 21 पे 45 लोग हैं, पहले 50 थे 20 पे और 21 की एज आते आते 45 लोग हो गए, यानी कि 5 लोगों की डेथ हो गई। तो जो नंबर की डेथ हो गई ना, वो हो जाएगा हमारा डीएक्स, यानी हम डिफरेंस निकालेंगे कि एक्स एज पे कितने लोग थे और x+1 एज पे कितने लोग थे, उन दोनों का आपको डिफरेंस करना है, तो आपके पास आएगा डीएक्स। इसकी फॉर्मूला क्या हो जाएगी, एलएक्स मतलब अभी वाले लोग कितने हैं, उसमें से माइनस करोगे, दैट इज प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन ऑफ एज एक्स विल डाई विद इन 1 ईयर, मतलब कि आपको डेथ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो यहाँ पे इसकी फॉर्मूला क्या होगी क्यू एक्स की, डी एक्स अपॉन एल एक्स। अभी हमने देखा डी क्या होता है, डी एक्स क्या होता है कि कितने लोग की डेथ हो गई, तो डी एक्स को हम एल एक्स से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्यू एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कि नंबर ऑफ डेथ की प्रोबेबिलिटी होगी है। ओके, फिर पी एक्स जो है वो क्यू एक्स का जस्ट उल्टा है कि नेक्स्ट स्टेज पे कितने लोग जिंदा रहेंगे। क्यू एक्स क्या था कि कितने लोगों की डेथ हो जाएगी, ये होगा पी एक्स क्या होगा कि कितने लोग जिंदा रहेंगे। तो इसकी फॉर्मूला क्या हो जाएगी, एल एक्स प्लस वन मतलब नेक्स्ट स्टेज में कितने लोग हैं, डिवाइडेड बाई एल एक्स। और अगर आप क्यू एक्स और पी एक्स को जब एडिशन करते हो ना, तो उसका आंसर 1 आता है ऑलवेज, क्यू एक्स प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 1। ओके, तो अगर आपके पास कोई भी एक वैल्यू भी दी हुई रहेगी, जैसे सपोज करो क्यू एक्स दिया हुआ है और आपको पी एक्स फाइंड करना है, तो आप 1 में से क्यू एक्स माइनस कर दो तो आपके पास पी एक्स की वैल्यू आ ही जाएगी, दोनों का एडिशन हमेशा 1 होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एल एक्स, ये कैपिटल एल एक्स है, पहले हमने स्मॉल एल एक्स पढ़ा था, तो दोनों अलग अलग हैं। कैपिटल एलेक्स मतलब द नंबर, द टोटल नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिटवीन द एज एक्स एंड x+1, यानी कि एज एक्स पे और एज x+1 मतलब कि नेक्स्ट एज में कितने लोग रह रहे हैं, एवरेज नंबर ऑफ पीपल निकालना है हमें, तो वो होगा हमारा एल एक्स, कैपिटल एल एक्स। इसकी फॉर्मूला क्या होगी, स्मॉल एल एक्स माइनस हाफ ऑफ डी एक्स, ठीक है। स्मॉल एल एक्स हमारे पास क्वेश्चन में रहेगा और डी एक्स की वैल्यू हम पहले निकाल चुके होंगे, तो उन दोनों को वैल्यूज पुट करके ही आपको निकालना है। और एल्स इसकी एक और फार्मूला होती है कि एल एक्स स्मॉल एल एक्स, ठीक है, स्मॉल एल एक्स प्लस वन मतलब अभी कितने लोग जिंदा है और नेक्स्ट स्टेज में कितने लोग जिंदा है, एल एक्स प्लस वन डिवाइड बाई टू, मतलब आप अगर दोनों का एवरेज निकालोगे ना तो भी आपके पास कैपिटल एल एक्स की वैल्यू आ जाएगी, दोनों फार्मूला राइट है। नेक्स्ट हमारा टी एक्स होगा, टी एक्स यानी टोटल फ्यूचर, अभी एल एक्स पे सपोज करो हमारा एल एक्स 50% है, 20 की एज पे 5 लोग हैं, तो वो 50 लोगों की टोटल लाइफ टाइम इन ईयर्स वो हमें निकालनी है, उसको हम बोलते हैं टी एक्स, यानी कि टोटल कितने साल तक वो लोग जिंदा रहेंगे, सभी के सभी टोटल हमें निकालना है, सबका 50 लोग है तो 50 के 50 लोगों का हम निकालेंगे, ठीक है। इसकी फॉर्मूला होगी कैपिटल एल एक्स प्लस टी एक्स प्लस 1। ओके, लास्ट हमारा होगा ई एक्स जीरो, मतलब द एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स
अ पर्सन ऑफ एज एक्स इज एक्सपेक्टेड टू लिव. अभी देखो टी एक्स में हमने टोटल फ्यूचर लाइफ टाइम निकाली थी, 50 लोग थे तो 50 के 50 लोगों का हमने आगे कितने साल तक जिएंगे वो निकाला था. लेकिन ई एक्स में हम सिर्फ एक ही पर्सन का निकालेंगे कि एक कोई एक पर्टिकुलर पर्सन आगे कितने साल तक जिएगा, उसकी एक्सपेक्टेड लाइफ कितनी होगी. ठीक है, तो इसकी फॉर्मूला क्या हो जाएगी, टी एक्स मतलब टी एक्स अपॉन स्मॉल एल एक्स. टी एक्स यानी टोटल फ्यूचर लाइफ टाइम 50 के 50 लोगों की एंड डिवाइडेड बाय हम 50 कर देंगे, तो हमारे पास 1% की एक्सपेक्टेड लाइफ आ जाएगी. ओके, तो ये सभी फॉर्मूलाज आपको बहुत अच्छे से लर्न करनी है. अब हम सम स्टार्ट करेंगे. दिस इज अवर सम. फिल इन द ब्लैंक्स विद साइन क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग लाइफ टेबल. अब देखो यहाँ पे एक लाइफ टेबल दी हुई है जिसमें एक्स और एल एक्स की ये दो कॉलम तो पहले से दी हुई है, बाकी सब हम निकालेंगे, और एक वैल्यू टी एक्स की भी दी हुई है. ठीक है, तो सबसे पहले हम डी एक्स जो जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है ना वो ही वैल्यू निकालनी है हमें सिर्फ. तो पहले तो हम डी एक्स निकालते हैं. 20 की एज का डी एक्स क्या होगा, डी एक्स की फॉर्मूला क्या थी, एल एक्स माइनस एल एक्स प्लस 1, मतलब कितने लोग नेक्स्ट ईयर तक पहुँचते पहुँचते डेथ हो गई. ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, डी 20 हमें फाइंड करना है, तो डी 20 इज इक्वल टू एल 20 माइनस एल 20 प्लस 1, तो 6,690,673. ये माइनस कर दो दोनों वैल्यूज को तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2,762. ठीक है, तो ये डी 20 की वैल्यू आ गई. ओके, क्योंकि डी 21 फाइंड करने के लिए हमें एल 22 की वैल्यू चाहिए रहेगी फॉर्मूला के हिसाब से, जो कि हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हम डी 21 फाइंड नहीं कर सकते. अब हम क्यू एक्स फाइंड करते हैं. क्यू 20 क्या आएगा, उसकी फॉर्मूला होती है डी एक्स अपॉन एल एक्स. तो क्यू 20 इज इक्वल टू डी 20 अपॉन एल 20. तो डी 20 अभी हमने निकाला, 2,762 डिवाइड बाई एल 20 क्वेश्चन में है 6,93,435. तो आंसर आ जाएगा 0.00398. ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी है कि पीपल की डेथ हो जाएगी. ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ पीपल विल डाई बिफोर रीचिंग द एज एक्स प्लस 1. अब क्यू पी एक्स फाइंड करते हैं. क्यू एक्स आ गया है, तो पी एक्स मैंने आपको बताया था दो फॉर्मूला होती है पी एक्स की. एक तो जो हमने लास्ट में सीखा था, लास्ट अभी हमने सीखा था, उसमें क्या था कि एल एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई एल एक्स करते हैं, और एल्स मैंने आपको बोला था कि अगर आपके पास क्यू एक्स अवेलेबल है तो आप 1 माइनस क्यू एक्स करके भी पी एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हो. तो हम वही करेंगे, 1 माइनस 0.00398 इज इक्वल टू 0.996. तो पी एक्स की वैल्यू भी हमारे पास आ गई, उसे भी टेबल में लिख देते हैं. अब हम कैपिटल एल एक्स फाइंड करेंगे. तो कैपिटल एल एक्स की फॉर्मूला होगी स्मॉल एल एक्स माइनस हाफ ऑफ डी एक्स. एवरेज कितने लोग अभी वाली एज पे यानी कि 20 एज पे और 21 एज पे एवरेज कितने लोग हैं. ठीक है, तो स्मॉल एल एक्स हमारा है 6,93,435 माइनस हाफ ऑफ डी 20. डी 20 हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं 2,762. आपको सिर्फ वैल्यूज पुट करना है आप और आंसर निकालना है. तो आंसर आ जाएगा 6,92,054 पीपल. ओके, और एल्स आप ऐसे भी कर सकते थे इसमें कि एल एक्स दोनों जो एल एक्स दिया हुआ है ना 20 और 21 की एज का, उन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाई 2 कर दो तो भी आपका आंसर आ सकता है. ओके, एल एक्स हो गया. अब टी एक्स, टी 20 तो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, हमें टी 21 फाइंड करना है. तो ये हम कैसे करेंगे, आपको इसमें टी एक्स की फॉर्मूला क्या होती है, कैपिटल एल एक्स प्लस टी एक्स प्लस 1 होता है. तो यानी तो एल 20 प्लस एल सॉरी हमारे पास और एल टी 20 हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, एल 20 भी हमने अभी फाइंड कर लिया, तो हम टी 21 फाइंड कर सकते हैं. आप टी 21 की फॉर्मूला मत लगाना क्योंकि टी 21 इज इक्वल टू एल 21 प्लस टी 22 हो जाएगा. टी 22 हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो वो हम फाइंड नहीं कर पाएंगे. आप टी 20 लगाना जिससे कि आप टी 21 फाइंड कर पाओगे. ओके, तो टी 20 हमारे पास दिया हुआ था क्वेश्चन में और एल 20 की हमने फॉर्मूला पुट कर दी, सॉरी वैल्यू पुट कर दी प्लस टी 21.
इज इक्वल टू क्यू सेट लेकर जाओ और माइनस कर दो और T21 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, उसे भी रिप्लेस कर दो टेबल में, ठीक है। लास्ट हम EX0 फाइंड करेंगे, यानी कि एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ अ पर्सन बिफोर रीचिंग द एज X+1। तो इसकी फॉर्मूला होगी कैपिटल TX अपॉन स्मॉल LX। TX E20 क्या होगा, T20 अपॉन L20। तो T20 तो क्वेश्चन में दिया हुआ है और L20 भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, वैल्यूज पुट करके आप डायरेक्टली आंसर निकाल लो और E21 0 आ जाएगा T21 अपॉन L21। T21 हमने अभी फाइंड किया था और L21 क्वेश्चन में दिया हुआ है, फॉर वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल लो। तो यहाँ पर हमने सभी वैल्यूज़ जो पूछी थी हमने सभी वैल्यूज़ निकाल ली है। ओके, एक सम और करते हैं जिसमें थोड़ा सा ट्विस्ट होगा, तो चलो वो करते हैं। नाउ दिस इज़ अवर नेक्स्ट सम, फाइंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ एट द एज ऑफ 83 and 84 फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे एज 83 और 84 दिया हुआ है और एलेक्स आपके पास सिर्फ एक ही दिया हुआ है, 83 का ही दिया हुआ है, 84 का मिसिंग है, तो इसकी वजह से ये ट्विस्ट आ जाता है सम में। दूसरा हमें DX फाइंड करना है, QX आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, कैपिटल एलेक्स हमें फाइंड करना है और TX में एक वैल्यू अवेलेबल है एक नहीं है और EX0 भी फाइंड करना है। तो अब पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें LX की जो कॉलम खाली है ना, L84 हमारे पास नहीं है, तो पहले तो हमें वो लेकर आना पड़ेगा, वो मिसिंग नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम पहले QX की फॉर्मूला लगाते हैं। अब देखो पहले हम DX फाइंड करेंगे फिर हम LX फाइंड करेंगे। QX इज इक्वल टू DX अपॉन LX। तो Q83 लगाओ फॉर्मूला में, Q83 की वैल्यू क्या हो जाएगी, D83 अपॉन L83। आपके पास Q83 ऑलरेडी अवेलेबल है 0.16, D83 नहीं है और L83 भी इक्वेशन में दिया हुआ है, तो तीन में से दो वैल्यू आपके पास नहीं है हमारे पास और अपॉन L83 है 3550। तो दो वैल्यूज दी हुई है तो इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर दो और D83 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे 568 और इसे टेबल में लिख देंगे, ठीक है। अब ऐसे ही हम QX की मदद से D84 भी फाइंड कर लेंगे, लेकिन D84 के लिए हमें L84 की भी ज़रूरत रहेगी, है ना, लेकिन L84 तो मिसिंग है तो पहले हमें L84 फाइंड करना पड़ेगा। अब वो कैसे करेंगे, तो D83 क्या हो जाएगा, L83 माइनस L84। हमें नंबर ऑफ डेथ फाइंड करनी है ना कि 83 से 84 में पहुंचते पहुंचते कितने लोगों की डेथ हो गई, तो L83 माइनस L84। D83 आपके पास है 568 इज इक्वल टू L83 है क्वेश्चन में 3550 माइनस L84 नहीं है, तीन में से फिर से दो वैल्यू है हमारे पास तो हम तीसरी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ओके, तो L84 आ जाएगा 2982, इसे भी टेबल में लिख दो। अब आपके पास LX है, मतलब L84 है और Q84 भी है, तो जैसे हमने फर्स्ट स्टेप में किया था ना वैसे ही आप D84 की भी वैल्यू फाइंड कर लो। फिर से QX की फॉर्मूला लगाओ, DX अपॉन LX, तो D84 हो जाएगा, सॉरी Q84 हो जाएगा D84 अपॉन L84। तो Q84 है हमारे पास क्वेश्चन में 0.17 इज इक्वल टू D84 हमें फाइंड करना है अपॉन L84 है 2982 जो हमने अभी अभी फाइंड किया, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और D84 आ जाएगा 506.94, तो इसे भी टेबल में हम लिख देंगे। ये तीन वैल्यू अब मेन आ गई हमारे पास, हम बाकी की जो वैल्यूज़ है वो हम एज इट इज़ फॉर्मूला लगा के ही करेंगे, ये तीन में ही सिर्फ ट्विस्ट था, ठीक है। अब कैपिटल एलेक्स फाइंड करते हैं, तो कैपिटल एलेक्स की फॉर्मूला होगी एलेक्स माइनस 1/2 of DX। तो एलेक्स हमारे पास है, हम पहले कैपिटल L83 फाइंड करते हैं, तो L83 माइनस 1/2 of D83, सभी वैल्यूज़ क्वेश्चन में अब ऑलरेडी अवेलेबल है तो आप आंसर सीधा फाइंड कर लो 3266, ये टेबल में लिख दिया। ऐसे ही L84 भी फाइंड कर लो, स्मॉल L84 माइनस 1/2 of D84, वैल्यूज़ है हमारे पास, आंसर आ जाएगा 2728.53, इसे भी टेबल में लिख देंगे। अब TX की फॉर्मूला लगाओ, TX इज इक्वल टू कैपिटल LX प्लस LX, सॉरी TX प्लस 1,
अब यहाँ पर आपको T84 ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप T83 की फॉर्मूला लगाना, मतलब T83 हमें फाइंड करना है इज इक्वल टू कैपिटल L83 प्लस T83 प्लस 1। L83 भी हमारे पास हमने अभी फाइंड कर लिया था और T84 भी हमारे पास क्वेश्चन में पहले से ही है ना। तो हम डायरेक्टली दोनों को प्लस करके आंसर निकाल लेंगे T83, और इसे भी टेबल में लिख देंगे। लास्ट क्वेश्चन में हमने उल्टा फॉर्मूला लगाया था, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, हम जो फाइंड करना है वही फॉर्मूला हमने लगा दिया। अब EX0 फाइंड करते हैं। EX0 इज इक्वल टू TX अपॉन स्मॉल LX, तो E83 जीरो आ जाएगा हमारा, T83 अपॉन L83 दोनों वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल है, आंसर आ जाएगा 4.29। इसे टेबल में लिख दो। नेक्स्ट E840 इज इक्वल टू T84 अपॉन स्मॉल L84, ये भी वैल्यूज है, आंसर आ जाएगा 4.02। इसे भी टेबल में लिख दो। तो ये हमारा सम कंप्लीट हो गया। दोनों ही सम एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से इम्पॉर्टेंट है, कैसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, थोड़ा सा ट्विस्ट के साथ या बगैर ट्विस्ट के। आई होप आपको ये दोनों सम समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको आगे की वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।